खबर प्रयागराज से है, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन में यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचकर सरकार सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, जो कि सरासर गलत है और निंदनीय है। यदि सरकार समय रहते हमारे नेताओं के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल बंद नहीं करेगी तो हम लोग सड़कों पर उतर कर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जब जब गरीबों की आवाज़ बन करके सदन से सड़क तक संघर्ष करती हैं, तब तक ये मोदी सरकार ईडी का फर्जी तरीके से सहारा लेते हैं, टूल समझ लिया ईडी और सीबीआई को। ये दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। आज ईडी का दुरुपयोग जो राजनीतिक विद्वेष की भावना से भारतीय जनता पार्टी सरकार एक हथियार बना करके आवाज़ को दबाना चाहती है, वह आवाज़ दब नहीं पाएगी। आज श्रीमती सोनिया गांधी के समर्थन में पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना चल रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ जमकर आक्रोश एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता निकाला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।